वेलकम टू द पॉलिटी सीरीज ऑफ स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरिधि किलोर। वी आर डूइंग लक्ष्मीकांत और हम लेक्चर नंबर 71 पर पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 70 में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंप्लीट किया था और आज हमारा इशू है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि इंडियन स्टेट की, यूनियन की और जो राज्य सरकारें होती हैं वो किस लैंग्वेज में अपना काम करेंगी, लॉज बनाएंगी, बिजनेस ट्रांजैक्ट करेंगी, एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना हो तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करे। अब हमारा जो देश है वहाँ पर 1500 से भी अधिक लैंग्वेजेस हैं और कम से कम एटलीस्ट 40-50 लैंग्वेजेस हैं जो जिसको एक सब्सटेंशियल लार्ज पॉपुलेशन बोलती है। सो वी हैव टू एस्टेब्लिश, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ जॉब कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कॉमनली सबको यूज किया जा सके, जिसके ऊपर सबका बेसिकली कंसेंट हो, जिसको यूज किया जा सके कम्युनिकेशन के लिए। नाउ इट वाज लाइक यू पीपल, इट वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये बात मुझे फैदम नहीं हो पाती थी कि हाउ लैंग्वेज इज सच अ ट्रीमेंडस इमोशनल इश्यू फॉर पीपल। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फैदम सम इशू। आफ्टर रिलीजन लैंग्वेज उतना ही ज़्यादा इमोशनल और डिवाइसिव इशू होता है सोसाइटीज़ के लिए, लोगों के लिए, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोगों के लिए, अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए। एंड द लैंग्वेज इन आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। 1940 से लेके 1970 तक हमारी जो इंडियन पॉलिटी थी उसमें लैंग्वेज ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है कि जो आज इंडिया का जो नक्शा है, जो मैप है, दैट इज एक्चुअली हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अगर देखा जाए तो इंडिया का पूरा साउथ एशिया जो है हमारा, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलके, उसका जो मैप है उसका डिसीजन किया गया था रिलीजन के बेसिस के ऊपर। एंड सिमिलरली जो इंडिया का मैप है उसका डिसीजन किया गया है लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज इज़ ए वेरी वेरी इमोटिव इशू टू पीपल, बहुत ज़्यादा अपनी इंटरनल आइडेंटिटी से, कल्चर से एसोसिएटेड होता है। पहले ही बात क्लैरिटी में है। आई बिलीव जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं उनको पता है कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंगस्ट दी व्हाट्सएप और दी फेसबुक पीपल, या फिर जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मानते हैं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस बात को बिना डिबेट के यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इस कन्फ्यूजन को दोबारा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी से, देर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया ओनली हैज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एक्चुअली में इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को, राष्ट्रीय भाषा का नहीं दर्जा दिया गया है। देर इज अ वेरी वेरी सटल डिफरेंसेस। आइए हम उस मुद्दों के सारे के इस इश्यूज को देख लेते हैं। हमारा जो लैंग्वेज से कॉन्स्टिट्यूशन में जब लैंग्वेज डिस्कस किया जाता है तो वो पार्ट 17 के अंदर डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक टोटल 8 आर्टिकल हैं जिनके बारे में कौन कौन सी लैंग्वेज है, यूनियन की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में कि स्टेट की लैंग्वेजेस कौन सी होनी चाहिए, जुडिशरी कौन कौन सी लैंग्वेजेस होगी, एंड देन देयर आर सर्टेन स्पेशल डायरेक्टिव्स गिवन टू द यूनियन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द लैंग्वेज। भाषा से संबंधित यूनियन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन दी गई है। एक एक करके सारी की सारी देखते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और इसमें से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। द गुड थिंग इज दैट कि दिस इज एन ईजी वन, मतलब इसके अंदर कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहता। एक बार पढ़ने के बाद यू विल ऑलवेज बी अवेयर कि ठीक है इसमें क्या किया जाएगा। ये आर्टिकल है, ठीक है, चार टॉपिक है। एक तो लैंग्वेज ऑफ यूनियन से एसोसिएटेड दो आर्टिकल हैं कि लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, दो बात हो गई। फिर रीजनल लैंग्वेजेस, स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होंगी, अगर स्टेट यूनियन के साथ या किसी दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, और स्पेसिफिकली स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्पेशल। अगर एक स्टेट के अंदर लिमिटेड तो नहीं हो सकता है 70% किसी लैंग्वेज को बोले, हो सकता है सिर्फ 5% किसी और लैंग्वेज को बोले, तो जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस होती हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन्स हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या क्या लैंग्वेज होगी उसके बारे में बात है। एंड देन देर आर स्पेशल डायरेक्टिव्स कि अगर ग्रीवांस रिड्रेसल करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करने जाते हैं तो आप इंग्लिश के अलावा हिंदी में कर ही नहीं सकते,
जैसे कि एक बार एक केस हुआ था 1970s में, एक इंडिविजुअल ने हीबस कॉर्पस फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने हिंदी में फाइल की। हावेवर सुप्रीम कोर्ट ने उसका पेटिशन सुना नहीं, ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, यूनियन की हिंदी है बट सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी में जब उन्होंने पेटिशन फाइल किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि किसी और भाषा में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपने कोई ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं कर सकते हो। बट पर्टेनिंग टू स्टेट, अगर आप एक स्टेट में रहते हो और अगर स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हो तो वो जो ग्रीवांस रिड्रेसल है वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, उसके अंदर किसी प्रकार का लैंग्वेज का कोई रोक नहीं है, इवन इफ द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एज ऑफिशियल और एनी अदर वे, ठीक है ना, उसको शेड्यूल लैंग्वेज हो ना ऑफिशियल हो, स्टेट को, अगर गवर्नमेंट को अगर आप ग्रीवांस रिड्रेसल करते हो तो कोई भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है। बट वेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट यू ओनली डील विद सुप्रीम कोर्ट इन इंग्लिश, एक ही लैंग्वेज है और दूसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मदर टंग से एसोसिएटेड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हमने एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लेक्चर किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वाई, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। इस यूनिट से पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दिया हुआ है, सो वी हैव डन इट वेरी स्पेसिफिकली, इंडिविजुअली यही टॉपिक पढ़ा था, एंड डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। 1947 से पहले पहले इंग्लिश वॉज द ओनली लैंग्वेज यूज बाई द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन हायर एजुकेशन, 1947 से पहले, और कोई लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स बेसिकली मानते नहीं थे, ऑफिशियल भी उनको किसी और किसी में बिजनेस भी ट्रांजेक्ट नहीं किया करते थे, सिर्फ इंग्लिश में किया करते थे। 1947 के बाद एक खुद की भारतीय भाषा को चुनने के लिए, क्योंकि देर वॉज सम एक्रीमनी टूवर्ड्स द इंग्लिश बिकॉज इट वॉज अ फॉरन लैंग्वेज, तो गवर्नमेंट और जो उस समय फाउंडिंग फादर्स थे उनका एक उद्देश्य था कि हिंदी लैंग्वेज को पैन इंडिया लैंग्वेज की तरह डेवलप किया जाए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को एक लैंग्वेज की तरह या पूरे पैन इंडिया लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिया गया है। अब हिंदी को किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्योंकि हिंदी बोलती थी उसके लिए लिया गया था। जब भारत आजाद हुआ तो 40-41% जो लोग थे वो हिंदी भाषी थे, दिस वॉज द सोल रीजन फॉर चूजिंग हिंदी, देर वॉज नो अदर रीजन प्राइमरली स्पीकिंग, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट है उसके अंदर हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज है, तो दैट वॉज द सोल रीजन। बट हाँ, जो साउथ इंडियन जो सेक्शन है उसके अंदर अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनको अपनी अपनी स्टेट के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई थी। आइए देखते हैं एक एक इंडिविजुअल, हमारे जो चार सेक्शन है उसके बारे में बात करना। सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आर्टिकल नंबर 343। पहला आर्टिकल क्या कहता है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में जैसे लिखी जाती है इज बेसिकली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट नेशनल, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जनगण मन जो है वो राष्ट्रीय है, जो टाइगर होता है वो राष्ट्रीय नेशनल एनिमल घोषित किया गया है, लैंग्वेज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर नाउ, बट ऑफिशियल कि कौन से जो यूनियन गवर्नमेंट होती है जब कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखेगी, कुछ ऑर्डर देगी, तो कौन सी लैंग्वेज में देगी, किसी स्टेट को कोई ऑर्डर देगी लिखकर, किसी सीएम के साथ कोई कम्युनिकेशन किया जाएगा तो कौन सी लैंग्वेज में दिया जाएगा, दैट विल बी हिंदी। हाँ, बट द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस हैज टू बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, नॉट द देवनागरी। वो कितना प्यारा सा सटल रीजन है, आपको मालूम है कि हिंदी में जो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं वो दूसरे तरीके से लिखते हैं, हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 विच इज लाइक द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द न्यूमरल्स। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, बट जब हिंदी में कभी नंबर्स भी तो लिखने ही पड़ेंगे, बिना नंबर्स के तो कुछ काम नहीं होगा किसी डॉक्यूमेंट में, जब नंबर्स लिखे जाएंगे तो वहां पर हिंदी वाले न्यूमरल्स नहीं लिखे जाते, देवनागरी स्क्रिप्ट वाले नहीं लिखे जाते, बल्कि ये जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स जिससे हम सब के सब यूज टू हैं वो वाले लिखे जाते हैं। अब क्या है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सबको पता है, जो भी इस चैप्टर को पढ़ता है उसको सबको याद हो जाता है। तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा याद करना है कि ये कि जो हिंदी के न्यूमरल फॉर्म्स हैं दोज आर नॉट ऑफिशियली इन यूज, उसको ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है। अगर न्यूमरल्स की बात करें तो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द इंडियन न्यूमरल्स नॉट द देवनागरी फॉर्म इज द बेसिकली द बेसिक जिसको ऑफिशियल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है।
ठीक है, ये हिंदी वाला फर्स्ट पॉइंट सबको याद है, जो भी पढ़ना की कोशिश करता है यही बात सुनकर स्मार्ट हो जाता है, बट दैट इज द इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज यूपीएससी विल आस्क यू दिस, नॉट एनीथिंग एल्स। अब एक बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1947 में सब कुछ ही इंग्लिश में हो रहा था, तो एकदम अचानक से इंग्लिश को कैसे गायब कर सकते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सोचे कि एक काम करते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड रखते हैं 15 साल का, 15 साल तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज करते रहना जहां जहां जरूरत होती है, बट आइडिया था कि धीरे धीरे इंग्लिश को ना छोड़ना है, धीरे धीरे इंग्लिश से ट्रांजिशन होना है, जितना भी काम इंग्लिश में हो रहा है अभी के लिए करते रहो, बट इसको धीरे धीरे छोड़कर हमें कर देना है हिंदी के अंदर। जस्ट इमेजिन, आजकल हम पेट्रोल के और जो डीजल के इंटरनल कंबशन इंजन यूज कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट का और एनवायरमेंटलिस्ट का एक फोकस है कि हम इसको ट्रांजिशन कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो कि लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, बट अचानक से आज उठ के अगर कल सुबह ही गवर्नमेंट ये लॉ निकाल दे कि सारे के सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स कैंसिल और आज से ही सारे के सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज किए जाएंगे, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। सो एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है जहां पे जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल को कम करना है, इलेक्ट्रिक को बढ़ाना है। दिस वॉज द बेसिक आइडिया एट द स्टार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी को ऑफिशियल स्टेटस मिल गया, लेकिन 1950 से 1965 यानी 15 साल का समय दिया गया कि इंग्लिश को सारे के सारे ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन के लिए यूज करने का अलाउड है 1965 तक। देर वॉज अ लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट, 1965 के बाद होना नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो 15 साल के बाद पार्लियामेंट मे प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूड यूज। लेकिन अब इतना क्या नाम है उसको, रिग्रस भी नहीं होना था कि बिल्कुल करके ही दे छोड़ दो, तो उन्होंने बोला कि इनके जरूरत पड़े तो आप उसको 4-5 साल के लिए बढ़ा भी लीजिएगा। सो देर इज नो वेरी स्पेसिफिसिटी कि 1965 को हमने चुन लिया है इंग्लिश को खत्म करने के लिए। अब हुआ क्या, 5 साल के बाद एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजिडेंट को एक कमीशन बनाना था ताकि वो रेकमेंडेशन दे हिंदी लैंग्वेज के प्रोग्रेसिव यूज के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट कर सके, राइट? तो हमने आइडिया लगाया है कि हिंदी को ज्यादा यूज करवा देंगे और इंग्लिश को धीरे धीरे कम कर देंगे, और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि एक 344 के अंदर की एक कमीशन भी बना देना, एक 5 साल बाद बना देना, एक 10 साल बाद बना देना, जिसका पर्पस यही होगा कि भाई हिंदी को प्रोग्रेसिवली और ज्यादा यूज कैसे किया जा सकता है और इंग्लिश के यूज को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पर 1955 में, 5 साल बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बीजी खेर। याद रखिए ये वर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव डेटा के बेसिस पर पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था 5 साल बाद बनाने के लिए, वो बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिस्टर बीजी खेर। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बेसिकली पार्लियामेंट ने एक कमेटी को दे दी थी गोविंद वल्लभ पंत के जो चेयरमैनशिप के अंडर आती थी। इसके साथ साथ जो 10 साल बाद बनाना था वो हमने नहीं बनाया, ठीक है, दे वी डिडंट एक्चुअली, जो अनदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज एनविजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अपॉइंटेड इन द 1960। यानी कि जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली करनी ही है, वंस इन अ वाइल एक दो चीजें छोड़ भी दी जाती हैं, नेवरदलेस। तो समझ लीजिए एक सिंपल सी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, आर्टिकल 343 में लिख दिया गया कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स आर द ऑफिशियल न्यूमरल्स नॉट द देवनागरी, दो हिंदी इन देवनागरी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात है इंपॉर्टेंट वाली। दूसरा उसके बाद ये बोला गया कि इंग्लिश विल बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज टिल 1965। थर्ड ये वाली बात है कि पार्लियामेंट ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जरूरत पड़ने पे पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकता है 4 साल 5 साल 10 साल जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो ना कि 1975 तक खत्म हो, एंड एक कमीशन बना देना 5 साल के बाद और एक बना देना 10 साल के बाद जो कि इन्हीं चीजों को हिंदी को प्रोग्रेस करने के लिए इंग्लिश को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जा सके। अब हमने एक बनाया 1955 में बीजी खेर के चेयरमैनशिप में, उसने जो रिपोर्ट दी उसको पार्लियामेंट में गोविंद वल्लभ पंत की कमेटी ने बेसिकली एनालाइज किया था। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ये दोनों पूछे जाते हैं, आपको याद भी करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट उस रिपोर्ट में, जो बीजी खेर की रिपोर्ट थी और जिसको बाद में एनालाइज किया था गोविंद वल्लभ पंत की कमेटी ने, फाइनली एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट इन 1963 बनाया गया, ठीक है। अब आज तक इंडिया में जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इसी एक्ट के द्वारा डिसाइडेड की गई हैं। एक्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले इंग्लिश जो है वो 1965 के बाद भी यूज की जाएगी, और यहां पे इन्होंने लिमिट हटा दी,
कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट दी थी 1965 तक के यूज़ की, बट 2 साल पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नया एक्ट बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट इन 1963, और उस एक्ट में ये बात कह दी कि इंग्लिश को 1965 के बाद भी यूज़ किया जाएगा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विद नो स्पेसिफिक लिमिट। ऐसा नहीं बोला गया कि 15 साल है, 1980 तक किया है या 1990 तक, जब तक इनडेफिनेटली उसको यूज़ किया जा सकता है। In addition to Hindi, for all official purposes of the union, also for the transactions of the business in parliament. इसका मतलब यह है कि अब English without any time limit indefinitely Hindi के साथ official language है union की। Constitution में सबसे पहले लिखा गया था कि Hindi official language है, English होगी सिर्फ 1965 तक official language। फिर 1963 में एक act आया parliament का जिसने हिंदी तो पहले से उसका तो स्टेटस हमें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, देन उस एक्ट ने ये और बता दिया कि अब इंग्लिश ऑफिशियल है इनडेफिनेटली तक यूज होगी, अब कोई समस्या की बात नहीं है। फर्दर इसको 1967 में थोड़ा सा अमेंड भी किया गया था, कोई बात नहीं है, जिसमें इंग्लिश में कई जगहों पर इंग्लिश को कंपलसरी भी कर दिया गया था। आते हैं उसके मुद्दे के ऊपर। ये बात आ गई रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले दो आर्टिकल 343 और 344 हमें बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं हम रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है, सिंपल है दो आर्टिकल, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज का मुद्दा क्लियर कट हो गया है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, लेकिन न्यूमरल्स हमें इंटरनेशनल फॉर्म के यूज करने हैं, देवनागरी के नहीं ऑफिशियली, ठीक है। इंग्लिश 1965 तक ऑफिशियल थी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन लेटर ऑन नाउ इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ द 1963। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की नहीं, यूनियन की, बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनियन की, हिंदी और इंग्लिश। अगर जैसे जो हमारे पार्लियामेंट के कानून बनते हैं वो इंग्लिश में बनते हैं, एक्ट जो सारे के सारे जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है वो पब्लिश होता है इंग्लिश में, और पार्लियामेंट का जो प्राइवेट बिजनेस होता है उसको दोनों लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के अंदर ट्रांजैक्ट किया जा सकता है बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए, रीजनल लैंग्वेज का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रीजनली स्पेसिफिकली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बताई गई। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, वो काम स्टेट्स के अपने ऊपर छोड़ा गया है। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कहने का क्या मतलब है, हर एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा जो है, अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे सकता है, कोई भी, एनी, इट डजेंट मैटर, वो हिंदी हो हिंदी दे सकता है, इंग्लिश हो इंग्लिश दे सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 8th में जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई हो सकता है, जरूरत पड़ती है तो कोई भी लैंग्वेजेस, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। इट्स अ सिंपल थिंग, अगर किसी ने नहीं किया है तो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। वैसे तो सब स्टेट्स ने अपने अपने पास करके अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, जैसे कि गुजरात है तो गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास कर दिया है। उसी प्रकार से अगर आप मेघालय जाएंगे तो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश का उन्होंने लॉ पास कर दिया है, लेकिन अगर जहां नहीं किया तो वहां पर इंग्लिश है, सबने कर रखा है। अंडर दिस प्रोविजन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड मेजर रीजनल लैंग्वेजेस एट देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो, जो जो अपनी सबसे मेजर लैंग्वेज के बेसिस पर ही स्टेट्स बनी है, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ द स्टेट्स हुआ है वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है, तो इजीली लैंग्वेज के जो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी, स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी अपनी एक लॉ पास करके जो भी मेजर लैंग्वेज थी अपनी स्टेट की उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेट्स। तो आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरला ने मलयालम, आसाम ने आसामीज, वेस्ट बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने ओडिया। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा एंड राजस्थान, जिसको प्राइमरली हिंदी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने को हिंदी स्पेसिफिकली ऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ कि हिंदी ऑफिशियली उन्होंने अगर वो लॉ पास नहीं करते तो इंग्लिश होती, इवन दो दीज आर हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो उन्होंने लॉ पास किया ये कहने के लिए कि हिंदी ऑफिशियल है। गुजरात हैज अडॉप्टेड हिंदी इन एडिशन टू गुजराती, गुजरात में दो हैं, यानी कि आप दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, इट डजेंट मैटर कि वो लैंग्वेज मेजॉरिटी स्पीकिंग है या नहीं है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में टिल 2020 जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, लेकिन पूरी की पूरी स्टेट में सिर्फ 1% लोग उर्दू बोलते थे, तो यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी लैंग्वेज होनी चाहिए। मेघालय में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है,
अभी भी इंग्लिश है, लेकिन पूरे मेघालय में 0.01% लोग इंग्लिश भाषी हैं जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो जरूरी नहीं है, बट हाँ प्राइमरली स्पीकिंग यही होगा कि जो मेजोरिटी लैंग्वेज होगी उसको स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। गोवा ने मराठी इन एडिशन टू कोंकणी, जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड उर्दू नॉट कश्मीरी जो कि मेजोरिटी लैंग्वेज थी। ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ने इंग्लिश अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, तो कोई भी की जा सकती है, दो कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चाहो तो चार भी कर सकते हो, जितनी मर्जी कर लो, कोई समस्या नहीं है। मेजोरिटी कर लो, माइनॉरिटी कर लो, स्टेट लेजिस्लेचर को पास करना है, जो भी जनता की आस है वो उसमें जो भी उन लेजिस्लेटर्स ने मान लिया वो अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कोई बार नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में Schedule 8 है, Schedule 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेस लिखा गया है, लिखी गई हैं, जिन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। देर आर ओनली 22 इन दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन 22 लैंग्वेजेस को ही ऑफिशियल बनाया जा सकता है। इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेजेस एनुमरेटेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है स्टेट्स का। ठीक है, इंडिया का सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा। इंडिया का लीगली स्पीकिंग, इंडिया की कोई इंडिया में भी किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित किया जा सकता है, बट दैट वुड जस्ट क्रिएट अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। अगर किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो इट विल क्रिएट अ मेजर पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो वो बस लीगली किया जा सकता है, बस ये है कि हिंदी को उस समय मौका मिल गया 1950 में कि उसको ऑफिशियल बना दिया जाए, दैट इज इट। इंग्लिश का बेसिकली मौका सिर्फ ये मौका लग गया क्योंकि इंग्लिश भाषी देश में थी नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल लैंग्वेज बन गई। फॉर द टाइम बींग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इंग्लिश को रिमेन द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट बिटवीन वेरियस स्टेट्स। अच्छा ये देखो आप, अच्छा यहाँ पे ना वर्ड्स आएंगे, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज। अब यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है, बट स्टेट की और यूनियन की जो लिंक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। स्टेट्स और जैसे कि तमिलनाडु स्टेट्स को यूनियन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, सो यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट डू इट इन हिंदी, दे विल डू इट इन द लिंक लैंग्वेज। लिंक कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या है? लिंक लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वर्ड्स सारा का सारा MCQ का जो खेल है वो शब्दों का ही खेल होता है। ठीक है, दैट इज वेयर दे वॉन्ट टू सी योर अटेंटिवनेस या आपके न्यूएंस को पकड़ना। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर यूनियन को अपना कोई काम करना है वो हिंदी में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, करते भी हैं, परंतु स्टेट्स के साथ जब कम्युनिकेशन किया जाएगा दैट विल बी इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज। ऑफिशियल तो है ही है, एक्स्ट्रा है, लिंक लैंग्वेज है। और जो दो स्टेट्स हैं दे कैन एक्चुअली चूज, वो इंग्लिश में तो लिंक कर ही सकते हैं, बट अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी मर्जी से कोई दूसरी स्टेट में भी कर सकते हैं। जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ने ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना रखी है। अब ये एक दूसरे से साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, बात करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे बिकॉज दैट इज द लिंक लैंग्वेज, बट अगर जरूरत चाहें ये दोनों खुद चूज करें तो ये हिंदी को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली दैट अप्लाइज टू एनी वन, सीम्स लाइक अ प्लान। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर सम ऑफ द स्टेट्स दैट हैज एंटर्ड इन टू सब सच एग्रीमेंट। देखा, मतलब एक अभी बोला था और आगे देखा, यही होता है। अपनी अपनी श्रद्धा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने बोला कि हम सब तो हिंदी बोल रहे हैं, घबरा क्यों रहे हो, एक दूसरे से हिंदी में बात करो, अंग्रेजी आती नहीं है और इसलिए मुश्किल हो जाती है, एंड हेंस दे फाइंड इट वेरी इजी टू डू इट इन हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो 1963 में बनाया गया था, उन्होंने कहा कि इंग्लिश शुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट्स, दैट इज द स्टेट्स दैट हैव नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर हम तमिलनाडु में की बात करें या कर्नाटक की बात करें या केरला की बात करें, वहाँ पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट नहीं किया गया है। और जहाँ पर भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे जब यूनियन या वो वाली स्टेट जब बात करती है तो देर इज ओनली वन लैंग्वेज दैट रिमेन्स, इंग्लिश। जहाँ पर हिंदी इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन अ हिंदी एंड अ नॉन हिंदी स्टेट, सच कम्युनिकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। सपोज करो उत्तर प्रदेश वालों ने हिंदी में ही बना दिया अपना कम्युनिकेशन और भेज दिया तमिलनाडु, तो उसके साथ साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजनी ही पड़ेगी। लिंक लैंग्वेज इंग्लिश है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ, यहां पर भी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जब तक पार्लियामेंट अलग ना बता दे इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होगी ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट। पार्लियामेंट ने नहीं बताया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उन्होंने यही सोचा कि भाई अच्छा
1947 से पहले ना जो लॉ लीगल सिस्टम वॉज ब्रॉट द मॉडर्न लीगल सिस्टम विच वी फॉलो वॉज ब्रॉट टू अस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. अंग्रेजों को सिर्फ इंग्लिश आती थी, उनको आती नहीं थी कोई दूसरी भाषा. लेट मी टेल यू दैट दैट्स अ सीक्रेट, प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट. तो उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी, तो वो सारे के सारे जो लॉ है, इंडियन पीनल कोड जो है और जो भी उन्होंने लेजिस्लेशन निकाली, वो सब इंग्लिश में निकाली क्योंकि उन्होंने दूसरी भाषा सीखी नहीं थी हमारे वाली. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जहाँ पे उस समय जो कोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था उनको सबको अंग्रेजी से ही थोड़ी सी कंफर्टेबल था, उनको इंग्लिश ही थोड़ी बेहतर आती थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भाई जब तक पार्लियामेंट अलग से ना बोल दे, अलग से नया लॉ ना निकाल दे, सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स और सारी की सारी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगी. जो भी ये बिल एक्ट ऑर्डिनेंस ऑर्डर रूल रेगुलेशन बायलॉज एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल आएंगे, ये भी सारे के सारे इंग्लिश में ही आएंगे. हाँ, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट डिक्रीज ऑर्डर्स पास टू इट. सुनो बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो स्टेट तो कुछ कर नहीं सकती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करनी है और अभी भी इंग्लिश ही यूज़ होती है और कुछ यूज़ नहीं होता. स्टेट में अगेन, अब स्टेट के साथ तो स्टेट तो पर्सनल हो गया, स्टेट में तो हाई कोर्ट है उनकी, तो गवर्नर प्रेजिडेंट से कंसेंट लेके अगर स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको यूज़ करने के लिए अलाउ कर सकते हैं हाई कोर्ट में, बट जो हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स होंगी, जो डिक्रीज होंगी, जो ऑर्डर होंगे, वो इंग्लिश में ही पास करने हैं. ऐसा नहीं है कि आप उसको मलयालम में पास करा दें या फिर बंगाली में पास करा दें. जो जजमेंट होगी हाई कोर्ट की वो इंग्लिश में ही पास होगी, चाहे वो इंटरनल काम अपनी लोकल लैंग्वेज में कर रहे हो. इन अदर वर्ड्स, द जजमेंट डिक्रीज ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट मस्ट बी कंटिन्यूड इन इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट उसको चेंज कर दे. पार्लियामेंट तो चेंज कर ही सकता कुछ भी, राइट? ईजी. एक स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, बिल्स एक्ट्स ऑर्डिनेंस ऑर्डर रूल रेगुलेशन, बट ए ट्रांसलेशन ऑफ सेम इन इंग्लिश लैंग्वेज इज टू बी पब्लिश्ड. सिमिलरली जो ये पार्लियामेंट या विधानसभा कोई भी कानून लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, टेक्निकली ये इंग्लिश में पास होने चाहिए. अगर स्टेट चाहता है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में करना, कर ले, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में साथ आपको रखनी, खुद ही भेजनी पड़ेगी. हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स ऑर्डिनेंस रेगुलेशन पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आर डीम्ड टू बी द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप दो देखेंगे, एक हिंदी में देखेंगे, एक इंग्लिश में देखेंगे, तो दोनों का वो जो उनके अंदर वर्ड्स होते हैं ना, दे होल्ड द स्टेटस ऑफ द लॉ. ठीक है, तो जब प्रेजिडेंट की स्टैम्प के अंदर कोई किसी इंग्लिश जो लॉ पास हुआ है वो इंग्लिश में पास हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की थी, लेकिन अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट की स्टैम्प के अंदर ट्रांसलेट हुआ है तो उसका टेक्स्ट अथॉरिटेटिव है, मतलब कि दिस इज बेसिकली फाइनल वर्ड, ये लॉ है. एवरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इज टू बी अकंपनीड बाय अ हिंदी ट्रांसलेशन. देयर इज टू बी अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स ऑफ ऑर्डिनेंस इन सर्टेन केसेस. चलिए घुसिए मत इसके बारे में ज़्यादा. गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं, प्रेसिडेंट का अगर कंसेंट ले लें, वो हिंदी के यूज़ को ऑथराइज कर सकते हैं या एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बट दे शुड बी अकंपनीड बाय एन इंग्लिश ट्रांसलेशन. फॉर एग्जांपल, हिंदी इज यूज्ड इन उत्तर प्रदेश. सुप्रीम कोर्ट में डिबेट खत्म कर दो, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, इंग्लिश ही रहेगा, जब भी कुछ आए इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, देयर इज नो हिंदी ओवर देयर. स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर चाहे तो बोल सकता है कि भाई आप हाई कोर्ट जो है चाहे तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की यूज़ कर ले, हिंदी विंदी यूज़ कर ले करना चाहता है तो, बट जो जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, वो इंग्लिश में ही यूज़ होती हैं टिल द टाइम पार्लियामेंट सेज समथिंग. इसके साथ साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया 1963 का, ठीक है, वो तो 1950 की हालत है, तो उसमें कुछ चेंज आए थे, उसमें एक एक्स्ट्रा चेंज किया गया कि अगर गवर्नर चाहे तो वो जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पास करा सकते हैं, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट है उसके साथ. एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करवा दिया गया था ऑफिशियल एक्ट के द्वारा. पार्लियामेंट ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है ऑफ यूज ऑफ हिंदी इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज हु पिटीशन और अपील इन इंग्लिश. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, वो कई बार अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लेटर लिख के दे दो तो उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसलेट करा के उसको एज ए पिटीशन एज ए केस ले सकता है. ठीक है, ये समझ लिया आप बात को, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोई बाहर से कुछ लिख दे, किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई लेटर भेज देते हैं या कुछ पिटीशन फाइल कर देता है. अब जरूरी नहीं है ना किसी को इंग्लिश आती हो लेटर लिखते वक्त, तो वो तो
अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में लिख सकता है, बट हाँ जब उस केस को बनाया जाएगा, जैसे कि उस PIL को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा, सो दे विल ट्रांसलेट दैट लेटर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ कंप्लेंट ऑफ द इंडिविजुअल इनटू इंग्लिश एंड देन दैट केस विल बी फाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट जो भी काम करेगा वो सिर्फ अंग्रेजी में करेगा, सिंपल बात यह है इनकी। 1971 में एक पिटिशनर बोला कि हमारा जो हीबस कॉर्पस पिटिशन है वो हम हिंदी में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये है असंवैधानिक, बट उन्होंने असंवैधानिक नहीं बोला, उन्होंने बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो आदमी जैसे हिंदी में आर्ग्यू कर रहा था, उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि उसका केस क्यों डिनाई कर दिया गया। द कोर्ट कैंसिल्ड हिज पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वॉज एंड इज इंग्लिश एंड अलाउिंग हिंदी वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने ये भी नहीं बोला कि असंवैधानिक है, कोर्ट ने बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज कोर्ट कांट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेल यू एनीथिंग इन हिंदी, दे हैव टू टेल यू इन इंग्लिश। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। अब ये स्पेशल डायरेक्टिव्स जो हैं कि ये दो, इनके दो पर्पस हैं कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं उनको अपने को प्रोटेक्ट करना है और जो हिंदी है उनको अपने को प्रमोट करना है। आइडिया ये था, उसको पैन इंडिया लैंग्वेज बनाना चाहते थे हिंदी को, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे। मोर और लेस इट हैज़ नॉट बीन दैट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, बट अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज सेज इट्स यूनियन के ऊपर ऑब्लिगेशन दे रखी है हिंदी को प्रमोट करने की। साथ ही साथ पैराडॉक्सिकली जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी है। तो हमें एक मेजॉरिटी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, साथ ही साथ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना है, इसका दायरा बढ़ाना है, इसका कम नहीं होने देना है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। दोनों सेंटेंस सेम, दोनों जो फ्रेज हैं सेम सेंटेंस में लिखे हुए हैं, विच इज़ वियर्ड। हिंदी लैंग्वेज का दायरा बढ़ाना है और माइनॉरिटी लैंग्वेज का दायरा कम नहीं होने देना है। हाउ डू यू डू इट इन अ क्लोज कंटेनर? प्रोटेक्शन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैसे है? एवरी अग्रीव्ड पर्सन हैज अ राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवांसेस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और अ स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट एज द केस मे बी। कहने का यहां पर यही मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो भाई लैंग्वेज इशू हो सकता है। अगर आप बंगाली में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लड़ना चाहो तो नहीं लड़ोगे, वो साफ मना कर देंगे कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं आपसे। बट यूनियन गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में, वेदर वो ऑफिशियल हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे आपने ग्रीवांस रिड्रेसल अपनी लैंग्वेज में लिखा है, दे हैव एन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू सॉल्व इट किसी भी लैंग्वेज में। स्टेट में भी, स्टेट में चाहे यूनियन में चाहे स्टेट में, कोई भी भाषा जो हमारे देश में बोली जाती है, एज फार एज द कंप्लेंट इज कंसर्न द रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली बात, है ना? ठीक, सुप्रीम कोर्ट का चलो रख दिया, थोड़ा सा एक हल्का सा रख दिया कि भाई एक ही लैंग्वेज में बात करना है, बट मोर और लेस द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ओपन, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सीम्स लाइक अ गुड प्लान। हर स्टेट और लोकल अथॉरिटी को एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसीलिए आपने कभी कभी कई जगहों पर देखा होगा कि बड़े सारे से स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे फर्स्ट से फिफ्थ तक सिर्फ मदर टंग के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस होती है, वर्नैकुलर में होती है, राइट? छठी क्लास के बाद इंग्लिश या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोर और लेस यही रीज़न है लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास से ही मदर टंग को हटा दोगे तो बच्चा फिर उस मदर टंग को धीरे धीरे अडॉप्ट करना छोड़ देगा, दिल लाइक कि ठीक है भाई अब तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे आज के बाद। प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके बारे में हम पूरा का पूरा लेक्चर कर चुके हैं। वो इन्वेस्ट अपॉइंट करते हैं जो कि इन सारे मुद्दों को, कि जो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक रिपोर्ट दे देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देते हैं, पार्लियामेंट वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, जिसके बारे में ना आपने कभी सुना है, मोर और लेस मैंने भी कभी इसके बारे में खास सुना नहीं है। तो पता नहीं ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं ये काम क्या कर रहे हैं, यू नीड टू फाइंड दैट आउट वन डे। हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है यूनियन गवर्नमेंट को। इम्पोजेस अ ड्यूटी अपॉन द सेंटर टू प्रमोट द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज सो दैट इट मे बिकम द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बहुत सीधी सीधी बात करें तो ये इट हैज़ बीन अ फेलियर। द फाउंडिंग फादर्स
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक्चुअली फेल्ड टू गेज द फैक्ट कि लैंग्वेज ना बहुत ही पैशनेट मुद्दा होता है, दिल से मतलब मुद्दा, इट्स रिलेटेड टू द इंटरनल आइडेंटिटी, इट्स समथिंग एल्स. सो जब लैंग्वेज को किसी के ऊपर फोर्स या इम्पोज किया जाता है तो इट ऑलवेज टर्न्स इनटू सोशल अनरेस्ट एंड वायलेंस. और 1950 से 1970s के बीच में जो काफ़ी सारा सा सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, काफ़ी सारी सी वायलेंस स्पेसिफिकली लैंग्वेज के बेसिस पे हुई थी. दिस इम्पोजिशन ऑफ हिंदी विच हैज़ बीन एनविसिस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली क्वाइट अ बोन ऑफ कंटेंशन विद द सदर्न स्टेट्स, जो कि चाहती हैं कि ऐसा कभी भी ना हो और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए. वियर्डली व्हाट डू यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट दिस कि इंडिया को एक स्पेसिफिकली लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जो कि लिंगुआ फ्रैंका, यानी कि पैन इंडिया एक लैंग्वेज हो जो कि इंडिया की लैंग्वेज हो, या फिर दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट इज नेवर गोइंग टू बी फ्रूटफुल. पर्सनली आई थिंक दिस कैन नॉट बी फ्रूटफुल एवर. लैंग्वेज अगर हम हिस्ट्री को देख, मतलब एज इन की वी डू नॉट हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस बट वी कैन सी इन द, अगर हम हिस्टोरिकली उसके इम्पेरेटिव देखें या प्रिसिडेंट देखें, तो लैंग्वेज किसी के एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करना ऑलवेज लीड्स टू वेरी ह्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, वायलेंस हो जाता है. मतलब बेसिकली ये है, जान मान की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है. बट हम कॉन्स्टिट्यूशन के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो सेंटर को डायरेक्ट किया गया है कि वो हिंदी की एनरिचमेंट को सिक्योर करे बाय असिमिलेटिंग द फॉर्म्स, स्टाइल्स, एक्सप्रेशन यूज्ड इन द हिंदुस्तानी एंड अदर लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इस समय 8th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. 8th शेड्यूल को आप देखिए और ये याद करना है क्योंकि एक छोटा सा एमसीक्यू इसके अंदर छपा हुआ क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूडेड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं. जब स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन तो 14 थी, ठीक है. इट स्पेसिफाइड 22 लैंग्वेजेस जो कि पहले 14 थी और उसके बाद अमेंडमेंट कर करके 22 कर दी हमने. 8th शेड्यूल में जब कोई लैंग्वेज ऐड करनी होती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है, ये बात ध्यान रखिए. तो पहली 14 थी आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी. हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड इट इज शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑल्सो. कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑफिशियल तो है ही है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है. शेड्यूल का मतलब जो शेड्यूल के अंदर है, कोई साइंस नहीं है उसमें. कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली. कन्फ्यूजन हो सकता है कि नेपाली लैंग्वेज एक्चुअली में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, इट्स द शेड्यूल लैंग्वेज नेपाली. ओडिया, पंजाबी, संस्कृत है याद रखना, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. उसके बाद सिंधी ऊपर तो लिख ही दिया है बट सिंधी को ऐड किया गया था बाद में 21st अमेंडमेंट में. फिर कोंकणी, मणिपुरी और जो ये नेपाली हैं ये 71st अमेंडमेंट में. और लास्ट में जो ये चार बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली है, इसको ऐड किया गया है 92nd अमेंडमेंट 2003 सबसे लेटेस्ट है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, देखो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है बट एक शेड्यूल लैंग्वेज भी है. इंग्लिश ऑन द अदर हैंड इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउएवर इट इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बट इट इज अ लिंक्ड लैंग्वेज. उर्दू तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होगा बट नेपाली, यस इट माइट सीम कन्फ्यूजिंग कि नेपाली हमारे देश के संविधान में लिखी गई है बट बहुत सारे लोग हमारे देश में नेपाली बोलते हैं तो नेपाली. एंड संस्कृत इजिली आइडेंटिफाइबल कि शैल बी अ शेड्यूल लैंग्वेज. बाकी आपको आइडेंटिफाई कीजिए असामीज, बंगाली. आपको याद करना है कि कौन कौन सी, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड एंड इन इंग्लिश एंड इन हिंदी क्वाइट लेजिटिमेट कन्फ्यूजन इज देयर कि इंग्लिश को लिख तो दे, मतलब इतना इंपॉर्टेंस है कि सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश के अलावा बात करने से मना कर रहा है और उसको शेड्यूल नहीं बना रहे. बस इतना ही ध्यान रखना है. अच्छा, अभी भी लैंग्वेज में आगे ना वर्ड लगा देते, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, एक और क्लासिकल लैंग्वेज. छके नहीं है अभी हम लैंग्वेज के साथ. क्या हुआ कि 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अपन एक नई कैटेगरी बनाएंगे लैंग्वेज के, बिकॉज वी आर नॉट डन विद द वर्ड्स राइट नाउ, द एडजेक्टिव्स खत्म नहीं हुए. उन्होंने कहा कि देर इज क्लासिकल लैंग्वेजेस, सम लैंग्वेजेस जो कि इतनी पुरानी है कि लैंग्वेज नहीं कल्चर है वो पूरी की पूरी. 2006 में उन्होंने इट लेड डाउन द क्राइटेरिया ऑफ फाइंडिंग द क्लासिकल लैंग्वेज और 6 भाषाओं को चुना गया जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया. ठीक है, 6 कौन कौन सी हैं भाई, अब ये पूरा रट्टा लगाना जरूरी है, आवश्यकता है, याद होना चाहिए एकदम. सबसे पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया. वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली 5 of them आर फ्रॉम साउथ. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया यू कैन फाइंड इट्स स्लाइटली ईस्टर्न बट यस, ठीक है, यू कैन फिगर आउट, गिव इट टू साउथ फॉर नाउ. हाँ,
तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल लैंग्वेजेस द साउथ इंडिया डोमिनेट्स, एक्चुअली विन्स इट बाय ऑल द मार्जिन्स पॉसिबल. राइट, तो ये छः की छः क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और इनको याद करके रखना है. इज देयर अ सेवेंथ क्लासिकल लैंग्वेज? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इन द कमेंट्स नेसेसरली. इफ इट इज तो कौन सी है, इफ इट इज नॉट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कौन सी हो सकती है. लैंग्वेज को क्लासिकल करने का पर्पज़ क्या है कि लैंग्वेज जब क्लासिकल हो जाती है ना तो थोड़ा पैसा मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट, ताकि उसके लैंग्वेज से एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए, उसकी किताबों को प्रिजर्व किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अब वो लैंग्वेज नहीं रही है, इट हैज़ बिकम कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री ऑल इंक्लूडेड इन टू वन. इतनी बड़ी हो जाती है वो. तो दो अवार्ड मिलते हैं स्पेसिफिकली इन्हीं लैंग्वेज के एसोसिएटेड, जैसे तेलुगु में जिन्होंने कोई स्कॉलरशिप की है तो उसको तेलुगु एसोसिएटेड अवार्ड मिलते हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कैन बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सम प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज. तो क्लासिकल लैंग्वेज में जो भी स्कॉलर होते हैं उनके लिए एक ऑफिस और एक जगह मिल जाती है, प्रोफेसरशिप मिल जाती है. क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का ये पर्पस था, इनको प्रोटेक्ट करना था, इनको प्रमोट करना था, उसके लिए क्लासिकल. सो देर आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देर आर लिंक लैंग्वेजेस, देर आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, देर आर क्लासिकल लैंग्वेजेस, आई एम एक्चुअली प्रीटी मच, एंड देर आर नेशनल लैंग्वेजेस, मतलब कुछ और भी है. अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन जस्ट सर्च फॉर द अमित किलोर ऑन दी सोशल मीडिया एंड वहाँ पर मिल सकते हैं. वी विल सी इन दिस लेक्चर नंबर 72. हैव अ नाइस डे.